खबरों की नई पहचान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद पुलिस अवैध शराब की बिक्री पर लगातार कार्रवाई कर रही है। धनबाद के गोविंदपुर थाना की पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर NH2 के पास विभिन्न होटलों में छापेमारी की। अलग अलग ब्रांड का सैकड़ों बोतल अंग्रेजी शराब का जब्त किया गया, साथ ही दो लोग भी गिरफ्तार किए गए। NH पर दुर्गा होटल में छापेमारी कर 80 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। इसके साथ ही अजय होटल से 18 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं पुलिस ने बताया कि NH के विभिन्न होटलों से शराब की होम डिलीवरी की जाती थी। इसी क्रम में पुलिस बसंत मंडल को गिरफ्तार की है। थाना प्रभारी गोविंदपुर श्री रविकांत प्रसाद एवं उनकी टीम में के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया गया था, जिसमें कि बगसुमा मोड़ पर स्थित माँ दुर्गा होटल से बागी कुमार के पास से लगभग जो 80 बोतल दारू उसके घर होटल एवं पीछे जो गोडाउन है उसमें से 80 बोतल विभिन्न ब्रांड का दारू बरामद किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। उनके संबंध में उनसे पूछा गया तो वो कोई भी इसके संबंध में वैध अनुज्ञप्ति या लाइसेंस नहीं दिखाए और उसके आलोक में उनको गिरफ्तार किया गया। NH2 पर सालासार पेट्रोल पंप के बगल में अजय होटल में छापामारी किया गया, जहां से भी कुल 18 बोतल विभिन्न ब्रांड का दारू बरामद किया गया। सबसे जो इसमें आश्चर्यजनक बात है कि यहां ऑनलाइन दारू की सप्लाई के आरोप में स्कूटी के डिक्की और विभिन्न जगहों पर छुपा के रखा हुआ बरामद किया गया, जिसके आरोप में बसंत मंडल को गिरफ्तार किया स्कूटी के साथ और स्कूटी से कुल जो है 16 बोतल दारू बरामद किया गया विभिन्न ब्रांड का, अलग अलग ब्रांड का। उसे निर्देश दिया गया है कि एक आदमी को अंग्रेजी दारू जो इंग्लिश वाइन जो है उसको 4.5 लीटर ही हम लोग दे सकते हैं और देसी जो मसालेदार दारू है उसको 4.8 लीटर दे सकते हैं, लेकिन इस गजट में प्रकाशित के बावजूद भी यहाँ के जो लाइसेंसी दुकानदार हैं उस गजट के नियम का उल्लंघन करते हैं और उनसे इस संबंध में कल जब पूछने के लिए बुलाया गया तो वो थाना पर भी उपस्थित होकर इस संबंध में नहीं बताए, जबकि ये सारे दारू इन लोगों के बताए, पकड़ाए हुए अभियुक्त के बताए अनुसार इन्होंने अनुगप्तिधारी दुकान से खरीदा है। तो एक व्यक्ति को एक साथ इतना दारू उन्होंने किस प्रकार किस नियम के तहत आपूर्ति किया इस संबंध में वो कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। उन लोगों के विरुद्ध भी जांचोपरांत साक्ष्य मिलने के बाद उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। के न्यूज़ खबरों की नई पहचान।